आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनावी तालमेल अब दूर की कौड़ी लगता है। अब तक अंदर खाने दोनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन अब इसकी नाकामी तलख अंदाज में बाहर आने लगी है। केजरीवाल ने सार्वजनिक मंच से कह दिया कि तालमेल होता तो सातों सीटें हम जीत जाते, लेकिन कांग्रेस तालमेल नहीं करके बीजेपी की मदद कर रही है। भाई साहब, हम कांग्रेस को मना मना के थक गए। गठबंधन कर लो, उनकी समझ में नहीं आ रहा। आपसे पूछना चाहता हूं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए गठबंधन? आज अगर कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, बीजेपी सातों सीटें हार जाएगी। हारेगी कि नहीं हारेगी? उधर कांग्रेस भी अब केजरीवाल को लेकर तीखे तेवर दिखा रही है। उसका कहना है कि केजरीवाल ने कभी गठबंधन की बात नहीं की। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है। किस आधार पर ये केजरीवाल जी ने कहा, ये मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक दफा भी उन्होंने कोई बात नहीं करी है। आप लोगों से कोई इस पे चर्चा हुई कि मैंने बता दिया ना? इस बीच तालमेल की लगातार कोशिशों को लेकर केजरीवाल अपनों के भी निशाने पर आ गए। काफी अरसे से केजरीवाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे पार्टी के दिग्गज नेता कुमार विश्वास ने आज गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी की कोशिशों को लेकर केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। कार्यकर्ताओं के खून पसीने, साथियों के निस्वार्थ श्रम व करोड़ों लोगों की दुआओं ने 70 में से 67 सीटें दिलाई, लेकिन एक आत्ममुग्ध असुरक्षित बौने के ओछेपन ने उसी जनादेश को इस गिरावट तक ला दिया कि जिनकी सीट जीरो की आज उन्हीं के सामने गिड़गिड़ा रहा है। दोनों नेताओं के बयानों से ये तो साफ लग रहा है कि अब गठबंधन शायद ही हो, लेकिन इसकी कसक आम आदमी पार्टी में ज्यादा दिख रही है।